इंडोनेशिया दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी पहचान ही अलग है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में प्रशांत और हिंद महासागर के बीच स्थित है। ये द्वीप समूह 37 प्रांतों में विभाजित है। इसकी राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की संसद ने नुसंतारा को नई राजधानी बनाए जाने का आदेश पारित किया है। आने वाले समय में संभवतः नुसंतारा जकार्ता की जगह इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंडोनेशिया के बारे में रोचक बातें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे अनूठी संस्कृतियों में से एक है। यहां टिन, सोना और तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का विशाल संग्रह है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया अर्नोल्डी पाया जाता है। रेफ्लेसिया अर्नोल्डी सुमात्रा द्वीप का स्वदेशी फूल है जो 8 किलो तक वजनी होता है। इस फूल का गंध अप्रिय होता है, इसलिए इसे लाश का फूल भी कहा जाता है। एशियाई महाद्वीप के इस देश में छोटे मोटे द्वीपों को मिलाकर करीब 17,000 द्वीप मौजूद हैं, जिसमें सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और न्यू गिनी शामिल हैं, जिनमें से केवल एक तिहाई ही बसे हुए हैं। बहुत से द्वीप ऐसे भी हैं जिनका अभी तक नाम नहीं है। इंडोनेशिया के द्वीप 5,000 किलोमीटर से अधिक संयुक्त क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहां दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं, अतः ये भूकंपीय गतिविधियों का केंद्र है। ये संरचना ज्वालामुखीय गतिविधियों को जन्म देती है, जो इंडोनेशिया की भूवैज्ञानिक विशेषता है। इंडोनेशिया लगभग 400 ज्वालामुखियों का घर है, जिनमें से 127 अभी सक्रिय हैं। इंडोनेशिया में प्रमुख धर्म इस्लाम है। हालांकि धार्मिक रहन सहन एक द्वीप से दूसरे द्वीप में बदल जाता है। उदाहरण के लिए बाली में ज्यादातर हिंदुओं की आबादी है, जबकि कुछ द्वीपों में ईसाई बहुसंख्यक हैं। भारतीय पुराणों में भी इंडोनेशिया का उल्लेख मिलता है। वहां इसका नाम दीपांतर भारत यानी सागर पार भारत है। यूरोप के लेखकों ने करीब 150 साल पहले इसे इंडोनेशिया नाम दिया था, जो धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। ग्रीक शब्द नेसोस, जिसका अर्थ है द्वीप, और लैटिन शब्द इंडस, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के किनारे, इन दो शब्दों से मिलकर इंडोनेशिया शब्द का निर्माण हुआ है। बहासा इंडोनेशिया इंडोनेशिया की राष्ट्रीय भाषा है। बहासा इंडोनेशिया यहाँ की 700 से अधिक विभिन्न बोलियां हैं, जिन्हें विभिन्न द्वीपों में सुना जा सकता है। राष्ट्रीय भाषा बहासा मलय के समान है, क्योंकि इसे मलय भाषा के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा अपनाया गया। जावा यहाँ का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। जावा द्वीप की आबादी 140 मिलियन से अधिक है। इंडोनेशिया में एशियन पाम सिविट, जो बिल्ली के जैसी स्तनपायी जीव है, पाई जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन बिल्लियों को कॉफी बेरिस खिलाया जाता है, जो इनके मल से बाहर आता है। इस मल से प्रसिद्ध कोपी लुवाक कॉफी बिड्स निकाला जाता है। ये दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है। आपको इंडोनेशिया में सोने के आभूषण सस्ते मिलेंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक ग्रासबर्ग खान यही है। इस सोने की खदान में रोजाना हजारों मजदूर काम करते हैं। यहां उजंग कुलोन राष्ट्रीय उद्यान में लुप्त प्राय जावन गेंडों का प्राकृतिक आवास है, जो अकेले रहना पसंद करते हैं। अफ्रीकी गेंडों की तुलना में जावन गेंडों का सिर छोटा होता है। ये बहुत दुखद बात है कि पूरी दुनिया में केवल 50 जावन गेंडे बचे हैं,
इंडोनेशिया मेंढक के पैरों का प्रमुख निर्यातक है, जिसे फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों द्वारा भोजन में पसंद किया जाता है। यदि आप इंडोनेशिया के केली मुतु ज्वालामुखी पर चढ़ते हैं तो ये आपके लिए रोमांचक अनुभव होगा। आप यहां स्थित झील के पानी का रंग बदलता हुआ देख सकते हैं। ये झील में पानी के साथ ज्वालामुखीय गैसों की प्रतिक्रिया के कारण होता है। माउंट तबोरा इंडोनेशिया की सक्रिय ज्वालामुखी है। पिछले 10,000 सालों में पृथ्वी पर सबसे विनाशकारी ज्वालामुखीय विस्फोट माउंट तबोरा में हुआ था। ये विस्फोट 13,000 फीट से अधिक ऊपर उठा था और तब करीब 12 क्यूबिक मील गैस, धूल, लावा और चट्टान वायुमंडल सुम्बावा द्वीप और इसके आसपास के क्षेत्रों में बिखर गए थे। इस भयानक विस्फोट को 1930 किलोमीटर दूर सुमात्रा द्वीप पर भी सुना गया था। बहुत दुख की बात है कि इस दुर्घटना ने 70,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। बोरोबुदुर के नाम से फेमस ये मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका निर्माण शैलेंद्र राजवंश ने करवाया था। ये एक महायान बौद्ध मंदिर है जो ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। ये मंदिर खोजे जाने के पहले कई वर्षों तक ज्वालामुखी राख के नीचे दबा रहा था। सालों तक राख और जंगल के बीच छिपे हुए इस मंदिर की खोज एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने सन 1814 में की थी। रैफल्स उन दिनों सेमा रंग के दौरे पर गए हुए थे। तब उन्हें बूमी सेगोरो गांव के पास एक जंगल में एक बड़े स्मारक के बारे में जानकारी मिली। ये मंदिर आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है, जिसे देखने के लिए लोग दुनिया भर से इंडोनेशिया आते हैं। मंदिर को एक बड़े स्तूप के रूप में बनाया गया है। ऊपर से देखने पर यह एक विशाल तांत्रिक बौद्ध मंडल के रूप में दिखाई देता है। इस मंदिर की नींव वर्गाकार है, जो हर तरफ लगभग 118 मीटर की है। मंदिर के अंदर एक गोलाकार प्लेटफॉर्म है, जिसके चारों ओर 72 ओपन वर्क स्तूप हैं। इनमें से प्रत्येक स्तूप में बुद्ध की एक मूर्ति है। मंदिर में कुल 2672 पैनल और बुद्ध की 504 मूर्तियां मौजूद हैं। इस प्रमुख स्तूप की ऊंचाई 115 फीट है। बोरोबुदुर मंदिर के निर्माण में लगभग 20 लाख क्यूबिक फीट ग्रे ज्वालामुखी पत्थर का उपयोग किया गया था। बाली के लोगों के बारे में एक मनोरंजक तथ्य ये है कि वे अपने दांत खिसकर रीशेपिंग करते हैं। शीर्ष 6 दांतों को 6 बुरे गुण क्रोध, भ्रम, इच्छा, ईर्ष्या, लालच और मद्यपान को रोकने के लिए घिसकर अंदर किया जाता है। इंडोनेशिया के बारे में ये एक अजीब तथ्य है। अमोर्फोफेलस टाइटेनियम दुनिया का सबसे तीव्र गंध वाला फूल है। आप इसे 1 मील दूर से सूंघ सकते हैं। ये ऊंचाई में 2 मीटर तक बढ़ सकता है और इसमें सड़े हुए मांस की अप्रिय गंध होती है। ये सुमात्रा द्वीप का देशी फूल है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे उग्र ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी का 1883 का विस्फोट इतिहास में रिकॉर्ड किए गए सबसे घातक ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक है। इस विस्फोट में द्वीप और उसके पड़ोसी क्षेत्रों के अधिकांश भाग नष्ट हो गए थे। माना जाता है कि 1884 में एक साल बाद भी यहां भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया गया था। इंडोनेशिया के बारे में एक रोमांचक तथ्य ये है कि यहां ड्रैगन मौजूद है। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया के आकर्षक जानवरों में से एक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है और केवल इंडोनेशिया में ही पाई जाती है। पसोला इंडोनेशिया के सुम्बा में कटाई का त्योहार है। ये सबसे असाधारण समारोहों में से एक है, क्योंकि इसमें प्रतिद्वंदी टीम के सदस्यों पर भूतले शिरे वाले लकड़ी का भाला फेंका जाता है। पहले धातु के नुकीले भाले फेंके जाते थे, जो मानव को मारने के लिए काफी तेज थे। इस त्योहार के दौरान मरना गर्व की बात मानी जाती थी।
इंडोनेशिया पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसने 2006 में मलेशिया को सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक के रूप में पछाड़ दिया और अब ये हर साल 21 मिलियन टन पाम तेल का उत्पादन करता है। इंडोनेशिया के बारे में ये तथ्य सभी नूडल्स प्रशंसकों के लिए है। इंडोनेशिया की एक कंपनी इंडोमी ने इंस्टेंट नूडल्स का सबसे बड़ा पैकेट बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसमें 665 किलोग्राम नूडल्स थे। पैकेट उसी सामग्री से बना था जो नियमित पैकेज में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे मानव उपभोग के लिए उपयुक्त माना गया। इंडोनेशिया के पापुआ द्वीप में विविध वनस्पति और जीव हैं, जिनमें 200 से अधिक जानवर, 2300 प्रकार के विभिन्न ऑर्किड और 600 से अधिक प्रकार के प्रजनन पक्षी शामिल हैं। जावा मैन जीवाश्म 1889 में डच चिकित्सक यूजीन डुबोइस द्वारा डच औपनिवेशिक युग में पाया गया था। जीवाश्म को वैज्ञानिक रूप से होमो इरेक्टस नाम दिया गया था और इस तरह के और भी जीवाश्म उसी क्षेत्र में पाए गए थे। सोसरो बाहु तकनीक इंडोनेशियाई इंजीनियर द्वारा विकसित एक सड़क निर्माण की तकनीक है जो अब अपनी दक्षता और कम लागत के कारण कई देशों द्वारा अपनाई गई है। चीन, फ्रांस और जर्मनी जैसे कई बड़े देशों ने इस तकनीक को अपनाया है। इंडोनेशिया एक आकर्षक देश है, क्या आप वहां की यात्रा करना चाहेंगे? इंडोनेशिया के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।